नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम पांच बड़ी खबरों पर। बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है, माना जा रहा है कि आज वो इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा, साधना ध्यान और दान पुण्य की पवित्र परंपरा से जुड़े पावन पर्व मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। फिल्म मैरी क्रिसमस ने पहले दिन कुछ खास कमाई नहीं की। सैकनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन 2.55 करोड़ और दूसरे दिन 3.72 करोड़ की कमाई की है। बेल्जियम के पूर्व पीएम यवेस लेट्रमे ने भारत का पद वैश्विक स्तर पर ऊंचा करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की, साथ ही भारत के यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की भी वकालत की। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे की टीम को 3 विकेट से हरा दिया। जिम्बाब्वे के एक स्टार खिलाड़ी ने मैच हार कर भी इतिहास रच दिया। उन्होंने 42 गेंदों में 62 रन बनाए, जिसमें 5 चौके 2 छक्के शामिल थे। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसी के साथ देखते रहिए द न्यूज 15।